हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. मैसेल कमला चौधरी, साइंस टीचर फ्रॉम सीकर. टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8 एंड टुडेज टॉपिक विल बी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स. हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो डिजीज़ देखी थी वो देखी थी एनिमल्स के अंदर, जो किसकी वजह से हो रही थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही थी. अब देखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है. तो हमने पिछली क्लास में एनिमल्स में देखा था और आज हम जो देखेंगे वो किस में देखेंगे, प्लांट्स में देखेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सीवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर. हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो बहुत सारे प्लांट्स में होते हैं, जैसे कि वीट में होती है, राइस में होती है, पोटैटो में, शुगर केन में, ऑरेंज में, एप्पल में और अदर्स में भी बहुत में होती हैं. द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स. जो डिजीज होती हैं उसकी वजह से क्रॉप है उसकी यील्डिंग कम हो जाती है. जैसे कि एनिमल्स के अंदर डिजीज होती है तो उनकी इम्यून सिस्टम होता है वो डिक्रीज हो जाता है और हेल्थ क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है. तो यहाँ पर जो डिजीज़ होगी प्लांट को तो उनसे क्या होगा, जो यील्डिंग होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. फॉर सम सच प्लांट्स डिजीज़ दे कैन बी कंट्रोल बाई यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स. कई बार क्या होता है, प्लांट के अंदर डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, उनसे उनको कंट्रोल किया जाता है. हमने देखा कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर इन डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं, प्रॉपर मेडिसिन वगैरह लेते हैं. और यहाँ पर हम प्लांट में बात करेंगे तो कुछ केमिकल्स यूज़ करेंगे जिनसे इनको कंट्रोल किया जाता है. यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे डिजीज़ का जो प्लांट्स के अंदर होती है. तो उनमें सबसे पहले बात करें सिट्रस कैंकर. सिट्रस कैंकर है वो सिट्रस जो फ्रूट है, नींबू वगैरह है, उनमें लगता है. जो जितने खट्टे फल हैं उनके अंदर लगने वाली डिजीज़ है ये, उनके अंदर होती है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, यहाँ पर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से होती है. और ये ट्रांसमिट किससे होती है, बाय एयर होती है. आप देखते हो जो नींबू होता है या ऑरेंज होता है, ये जैसे नींबू है इसके ऊपर ब्राउन ब्राउन से पैचेज आ जाते हैं, तो वो कौन सी डिजीज़ आती है, सिट्रस कैंकर डिजीज़ होती है, जो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है. बैक्टीरिया क्या करता है, इन्फेक्शन करता है. और वो ट्रांसमिशन किसके थ्रू होती है, एयर के थ्रू होती है. फिर हम बात करते हैं रस्ट ऑफ वीट. जो वीट है यानी राइस है, वीट है, राइस है, इन सब में क्या होता है, रस्ट ऑफ वीट ये फंजाई की वजह से होती है. और ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, एयर और सीड्स के थ्रू होता है. यानी कि सीड्स के अंदर क्या हो जाती है, फंजाई जम जाती है और जैसे उनको ग्रो करते हैं तो वो क्या करती है, जो इनकी जो वीट्स वीट वगैरह होती हैं उनमें क्या होती है, जो रूट वगैरह होती हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें ये क्या है, वीट है. तो यहाँ पर इनके क्या पत्ते गल से जाते हैं, जड़ें गल जाती हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, ये फंजाई नाम की एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है जो इस प्लांट को क्या करती है, नुकसान पहुँचाती है, यानी इसमें डिजीज़ पैदा करती है, जिसकी वजह से इसकी जो यील्डिंग है वो क्या होती है, कम हो जाती है. और ये ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू या सीड्स के थ्रू. फिर देखते हैं येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी. जो भिंडी है, भिंडी के अंदर किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है. और किसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू. यहाँ हम बात कर रहे हैं जो भिंडी एक वेजिटेबल है, लेडी फिंगर की बात करें तो ये क्या है, डिजीज़ है. येलो वेन मोज़ेक, येलो वेन की बात करें तो जैसे कि ये प्लांट है, यहाँ हम बात करें कि ये प्लांट है भिंडी का, ये
येलो मोजेक हैं, तो यहाँ पर जो वेंस वगैरह होती हैं इनके अंदर वो क्या हो जाती हैं, येलो पड़ जाती हैं, और जो लीव्स होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं, जिससे क्या होता है इसका जो यील्डिंग होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं येलो मोजेक वायरस कहते हैं या येलो मोजेक डिजीज़ कहते हैं, जो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। और ट्रांसमिट किसकी वजह से होती है, कॉजेज़ क्या है ट्रांसमिशन का, वो इंसेक्ट है। यहाँ हमने देखा कि जो बहुत सारे प्लांट्स हैं उसमें बहुत तरह की डिजीज होती हैं, तो वो क्या होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कई बार तो क्या होता है उनके अंदर क्या है केमिकल का यूज़ किया जाता है, या ग्रो करवाने से या सीडलिंग करने से पहले ही उनको उपचारित किया जाता है। तो उससे क्या होता है जो यहाँ पर वायरस या फंजाई बैक्टीरिया जो भी सीड के साथ में होता है या एनवायरनमेंट में जो होता है उनके साथ नहीं लगते हैं और उनको नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो प्लांट वगैरह होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। तो आगे हम देखेंगे फूड पॉइजनिंग क्या होता है। फूड पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो फूड मतलब खाना पॉइजन यानी जहर, यानी जो खाना आपके लिए जहर बन गया उसको हम क्या कहेंगे फूड पॉइजनिंग। अब वो खाना जहर क्यों बन जाता है, क्योंकि ये जो माइक्रोब्स होते हैं जो आपके फूड होता है उसको क्या करते हैं ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप उस फूड को इंटेक करते हो खाते हो, देन क्या होगा आपको फूड पॉइजनिंग होगा, देन क्या हो जाएगा वॉमिट करोगे आप, यस आप वॉमिट करोगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या होता है, या तो आप वॉमिटिंग होगी या आपको पेट में दर्द होगा जिससे आपको डिसेंट्री वगैरह हो सकती है, तो आपको उस टाइम किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। तो यहाँ जानते हैं फूड पॉइजनिंग क्या होता है। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू ए हॉस्पिटल। द डॉक्टर सेड दैट द कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। कई बार हम देखते हैं घर आते ही हमें उल्टी होने लग जाती है और हमें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है, तो डॉक्टर क्या कहता है कि ये जो इसकी हालत हुई है वो किसकी वजह से हो रही है, फूड पॉइजन की वजह से हो रही है। जैसे कि हम जाते हैं जब भी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को उल्टी हो रही है, तो डॉक्टर जाते सबसे पहले हमें यही पूछता है कि बेटा आपने खाया क्या था, क्योंकि उससे वो अंदाज़ा लगा रहे होते हैं या ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हो सकता है फूड पॉइजन हो गया हो, कोई उल्टा सीधा खाया हो उसकी वजह से। तो यह हम देखेंगे कैसे फूड पॉइजन कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि आपने वो खाना खाया जो एक जहर की तरह था, वो किसकी वजह से कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसने उसको ख़राब कर दिया था और वो आपने खा लिया, वो आपके लिए किसकी तरह काम किया, पॉइजन की जगह। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन योर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, वो क्या करते हैं जो फूड होता है उसके ऊपर क्या है प्रोड्यूस करते हैं, और कई बार क्या होते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस को भी प्रोड्यूस करते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। कई बार क्या होता है फूड पॉइजन इतना भयंकर भी होता है कि बहुत सीरियस बीमार हो जाता है या उसकी डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए बहुत ज़रूरी है जो खाना है उसको हम प्रिजर्व रखें, सुरक्षित रखें और ख़राब होने से उसको बचाएं, तभी उसको खाएं। आपको लगता है कि खाना ख़राब हो गया या उसका टेस्ट में या उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ गया, दैट मीन फूड है वो बिल्कुल स्पॉइल हो चुका है, उसको आप यूज ही नहीं करें। यहाँ जो वर्ड आया एक फूड प्रिवेंशन क्या होता है हम वो देखते हैं। फूड प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि फूड है उसको हम कैसे बचा के रख सकते हैं या कैसे उसको साफ़ सुथरा या हेल्दी रख सकते हैं उसके बारे में है। तो यहाँ फूड प्रिजर्वेशन हम बहुत सारी चीज़ों का करते हैं, जैसे कि मार्केट से आप जितना भी सामान लेके आते हैं वो सारा प्रिजर्व किया हुआ होता है, घर में पिकल होता है वो भी प्रिजर्व होता है, या और मुरब्बे वगैरह आप देखते हो वो भी प्रिजर्व होते हैं। तो आपने देखा कि फूड का प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, दूध वगैरह आप मार्केट से भी लाते हो, मार्केट से लाते हो वो भी प्रिजर्व होता है,
जो प्रिजर्व मिल्क होता है उसका जो पैकेट का जो दूध होता है वो भी प्रिजर्व होता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो फूड है उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उसको स्पॉइल होने से बचाना चाहिए और हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए। स्पॉइल हुआ हुआ फूड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, फूड पॉइजनिंग की वजह से अपनी हेल्थ ख़राब भी हो सकती है, कई बार डेथ भी हो सकती है। और हमने यहाँ देखा कि जो बहुत सारी डिजीज़ हैं प्लांट्स के अंदर वो किसकी वजह से हो सकती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं और उनका कंट्रोल भी करना हमने देखा। तो आज हमने देखा कि जो फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, डिजीज़ कैसे होती है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है, आप इसको नोट डाउन करें, कोई डाउट है तो आप कमेंट में ही भेजें ताकि अगली क्लास में उसको क्लियर कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।